जय हिंद जवाहर। आप देख रहे हैं जेके टाइम्स, मैं हूं सौरभ शर्मा। पिछले कुछ दिनों से ऐसे मामले सामने निकल कर आ रहे थे, ऐसे इशू थे जो स्टूडेंट्स के, आज वो इशू वो सरपंच के पास किए जो ग्लांड से ताल्लुक रखते हैं सरपंच साहब। आज हम उनसे बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने प्रिंसिपल सर से बात की, उन्होंने क्या बोला उनको, क्या उन्होंने डिमांड रखी उनके सामने, उन्होंने बाद में क्या इनको बताया कि बच्चों को एडमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, कितने परसेंट मार्क्स के ऊपर इनको साइंस में एडमिशन मिलेगी। अभी हम बात करेंगे सरपंच साहब जी से, वो उन्होंने क्या उनको बताया उन्होंने। सरपंच साहब आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ जी। सरपंच साहब, बच्चों ने आपके सामने डिमांड रखी थी, तो वो डिमांड आप लेके प्रिंसिपल के सामने गए हो, उन्होंने आपको क्या बताया, अभी क्या इसका रिजल्ट निकलेगा? देखिए, काफी सारे दिनों से जो बच्चे हमारे जो 10th स्टैंडर्ड से पास कर यहाँ हाई सेकेंडरी के लिए आए हैं, उनकी डिमांड थी कि हमें यहाँ पे पढ़ने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करने पड़ रहा है, क्योंकि बड़े फार फ्लंग एरिया से हमारे बच्चे जो निकल कर आते हैं वो जाते हैं कि जहाँ अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, उनको पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिलेगा, तो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस तैयार हाई सेकेंडरी में आने के बावजूद उनको लोगों को किसी तरह का कोई भी जो है अनुशासन उन्हें नहीं मिलता है, इस पर बच्चे भी थोड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं। और वो उन्होंने हमारे से वार्तालाप करा और हमें कहा कि यहाँ पर हमें मेडिकल परेशानी आ रही है। फिर हम प्रिंसिपल सर से मिले और उन्होंने कहा कि नया मेडिकल सब्जेक्ट जो है हम बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आज तक जो है 20 से 25 साल तक यहाँ हायर सेकेंडरी जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, और ये जो बिल्डिंग है ये हाई स्कूल की बिल्डिंग में पिछले 20-25 साल से हाई सेकेंडरी स्कूल रन कर रहा है। जो लीडर हैं जिन्होंने इन एजुकेशन के ऊपर अपना फोकस ही नहीं दिया, वो ऐसे लीडरशिप को चुना, तो आज हमें उस चीज का भुगतान भी करना पड़ रहा है। इसी सब बाकी पे जब हम बच्चों से भी मिले हैं, रू बच्चे भी यहाँ हमारे पास खड़े हैं, तो उनका ये कहना था कि हमें पढ़ने के लिए जो मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम इंटरेस्टेड हैं, काफी ज्यादा बच्चे इस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, काफी सारे बच्चे जो आर्ट्स में भी इस तरह का इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, अभी जो स्टाफ की बात करूंगा मैं, मेडिकल जो स्ट्रीम है उसकी जो रिलेटेड जो स्टाफ है वो यहाँ पर पूरा स्टाफ मेडिकल का अवेलेबल है, इसलिए बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं, और यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। बड़ा इशू तो ये है, प्रिंसिपल साहब का यही कहना है कि मैं बच्चों को बैठाऊंगा कहाँ। ठीक है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इनको मेडिकल सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन बच्चों को बैठाने की व्यवस्था जो है वो हमारे पास नहीं है। इस सब विषय पे आप हायर अथॉरिटीज से बात करिए। तो मैंने सोचा कि जो हमारा मीडिया है उस मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज को ऊपर पहुंचाने तक, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, उन तक अगर ये सुन पाइए के टाइम के माध्यम से, तो हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे हमारा आने वाला फ्यूचर जो है वो बनता है, और ये बच्चे अपना एक अपना फ्यूचर बनाते हैं इसी हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी से निकलकर कॉलेज के लिए जाते हैं। तो कोई आईपीएस, कोई केएएस, कोई यूपीएससी क्रैक कर रहा है, कोई बैंक एग्जाम के लिए जा रहा है, अदर जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें बच्चा शामिल होता है। तो देश की सेवा। प्रिंसिपल साहब ने क्या बताया कि कितने परसेंट से हम उठाएंगे बच्चे मेडिकल स्ट्रीम में? देखिए, उन्होंने परसेंटेज की बात नहीं की है, उन्होंने कहा कि जब तक ये बच्चों की स्ट्रेंथ, क्योंकि काफी बढ़ गई है, यहाँ बच्चे काफी एरिया जो है वो टच कर रहे हैं। आज यहाँ देखा जाए तो ये एक हाई सेकेंडरी जो है ये एक कॉलेज लेवल की हाई सेकेंडरी, यहाँ एक कॉलेज भी होना चाहिए था लेकिन आज तक नहीं है। तो ये बच्चे, काफी सारे एरिया के बच्चे यहाँ सफर कर रहे हैं, जो एडजाइनिंग हाई सेकेंडरीज हैं उनमें बच्चे भी जाते हैं, लेकिन वो दूर होने की वजह से वो बच्चे, जैसे मोगला होगी हाई सेकेंडरी भारत में होगी, तो बच्चे वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमारी यही उनसे बात हुई, इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी परसेंटेज को मैटर करता है, बच्चा अगर उस पर इंटरेस्टेड है, किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, तो वो सब्जेक्ट उन्हें प्रोवाइड करेंगे। अगर जहाँ कोई परसेंटेज की बात आती है तो ये बात हम हायर अथॉरिटी से करेंगे, सीओ मैडम से भी करेंगे, हम डीसी साहब से बात करेंगे, वो सब्जेक्ट इनको देने पड़ेंगे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन हमारे पास विषय ये है कि यहाँ पर जो बच्चों को अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, टीचर्स को जो फेस कर रहे हैं, 12th क्लास के स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, 11th 12th के जो बच्चे हैं, उनको अगर नीचे बैठकर पढ़ना पड़ेगा तो ये बड़ी सारी कठिनाइयां हैं हमारे पास, बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन ना होने की वजह से, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना होने की वजह से यहाँ इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी पीछे हमने कुछ फंड्स के बारे में सुना था, अभी मैं तो इसके अंदर गया हूँ, अंदर से देखा भी है, कुछ खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए हैं, उसके पीछे क्या राज हो सकता है, क्या फंड्स नहीं मिलता स्कूल को? क्या देखिए, पिछले टाइम पे यहाँ ओम प्रकाश ओपी शर्मा जो हमारे प्रिंसिपल सर आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, मैं
बहुत ही सराहनीय कार्य किया, अप्रिशिएटेबल काम उन्होंने वहां किया है। लेकिन उनके बाद जैसे ही वो यहाँ से निकले, उन्होंने यहाँ का जो सिस्टम है हायर सेकेंडरी का, इस तरह का सिस्टम स्मूथली रन करने शुरू कर दिया था। मैं कहता हूँ कि हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो पूरा समझते थे कि हमें बच्चों को किस तरीके के साथ इसी वे में डालना है, बच्चों को किस तरीके से अलग लाइन में लेकर जाना है। लेकिन उनके जाने के बाद ही तुरंत बाद यहाँ पर पूरा सिस्टम जो है वो खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया। जो भी उन्होंने पूरे एक डिसिप्लिन बनाया था एजुकेशन के रिलेटेड, जो बच्चों को मिलनी चाहिए, वो सब खत्म हो गया। उसके बाद आज बच्चों को वही चीज वही वापस फेस करनी पड़ रही है 2 साल के बाद। थैंक यू विनोद जी। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इन्होंने बात की अंदर, और उन्होंने भी यही बोला कि हमारे पास बैठने की जगह नहीं है, बच्चों को कहाँ बैठाएंगे, हमारे पास स्टॉक तो पूरा है लेकिन बच्चों को बैठाने की जगह नहीं है। और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हम परसेंटेज के हिसाब से बच्चे लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी जो वीडियो देखेगा इसको शेयर जरूर करना, और डीसी साहब अगर ये वीडियो देखेंगे प्लीज एक बार इस स्कूल को चेक जरूर करें, क्योंकि इसकी जो चेकिंग है वो करना जरूरी है। और मैं क्यों बात कर रहा था बीच में कि इसके खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है कई दरवाजे ही टूटे हुए हैं। आप देखते रहिए जेके टाइम्स, दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।